बनारस जिले में हैं। बनारस जिले में आज इस देश के प्रधानमंत्री और बनारस जिले के सांसद नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम करखियाँ पिंडरा विधानसभा पड़ता है, फूलपुर के पास में है पिंडरा। आज मोदी जी बनारस को कुछ सौगात देने वाले हैं, कई हजार करोड़ का सौगात देने वाले हैं। तो अभी हम रास्ते से जा रहे थे तो लोहता कोरौता के बगल में लोहता मंडल है, लोहता मंडल के अंतर्गत हमें कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हो गई। थोड़ा बस को दिखा दीजिएगा, यह बस है और वो एक दो बस इधर है और एक इधर है, तीन लगभग 10 बस है। और हमें लगता है कि कई लाख की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए और योजनाओं को जानने के लिए लोग बनारस जिले से और अन्य जिले से पूरे प्रदेश देश से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम इस कार्यक्रम के विषय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुनील मिश्रा, लोहता मंडल अध्यक्ष, इन्हीं के माध्यम से अपने पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। प्रधानमंत्री जी ने बनारस को बहुत सौगात दी बेटा, बहुत ज़्यादा फंड दिया। मुझे लगता है कि इतना फंड देश के इतिहास में कभी बनारस को नहीं मिला था। कुछ दो लाइन आप प्रधानमंत्री के इतने सौगात पर, इतने योजनाओं पर बोलिए कि इतना सौगात योजना बनारस को ही क्यों दे रहे हैं। ऐसा है कि अपने देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो अलग की बात है, अपने जो है बनारस और काशी के सांसद हैं, जो हम लोगों के लिए बड़ा ही अतुलनीय शब्द है कि जो है सांसद हम लोगों के और देश के प्रधानमंत्री। इस समय चारों तरफ डंका बज रहा पूरे देश में, अगर काशी के सांसद हैं तो विकास तो होना जो लाजमी है, उसमें कोई दो या नहीं है। चारों तरफ जो है विकास की धारा बह रही है, कहीं भी देख लीजिए, चाहे आप रिंग रोड दूसरा फेज देख लीजिए, अभी तो इसका भी देखिए 4 लेन, इसका भी शिलान्यास होना है, इसका भी शिलान्यास होगा। 500 करोड़ जो है अमूल का जो है डेयरी का जो खोल रहे हैं, 500 करोड़ की लागत से उसका भी जो हो रहा है, उसमें जो है जितने भी जो है नौजवान है, युवा है, सबको जो है वहाँ नौकरी के लिए जो है रोजगार के लिए जो वहाँ भी आज उसी सब चीज़ों को लेकर करीब 500 करोड़ की जो लागत का जो आज शिलान्यास करेंगे, इस सब में जो सभी नौजवान को रोजगार, चारों तरफ जो है आपका जो विकास, मतलब चौमुखी विकास का जो धारा बह रहा है। इसलिए हम अपने जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, अपने लोहता मंडल का, अपने जो पूरे बनारस जिला की तरफ से, कि हम लोगों के लिए बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। अध्यक्ष जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अखिलेश यादव ने अभी कहा था कि मोदी जी 3 महीना ही रहेंगे, इस पर क्या कहना? उनका कहना है कि मोदी जी 3 महीना रहेंगे, सरकार 3 महीना रहेगी कि मोदी जी 3 महीना रहेंगे, इस पर आप कुछ अपने विचारों को प्रकट करें। ऐसा है कि अखिलेश को मालूम है कि इसके पहले अभी जिसके साथ वो गठबंधन किए थे वो खुद उनको गाली दे रहा है, आज उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला रहा है। तो इस समय जब मोदी जी जब चलते हैं ना, तो जितने चोर हैं सब चोर जितने हैं सब एक तरफा हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन मोदी का जो बह रहा है लहर जो है, ये इस लहर में जो कितने लोग आएंगे, साफ हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। और सरकार अपनी जो पूर्ण जो बहुमत में सरकार बन रही है, योगी यूपी प्लस योगी उपयोगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार फिर बनने जा रही है, 300 के पार हम सरकार बनाएंगे। ये देखिए जनता, ये पैसों वाली भीड़ थोड़ी ना है, ये तो अखिलेश में होता है कि 300 रुपया दो भरो बस, चलो 300 रुपया तो भरो बस। तो ये सब तो ये मोदी जी का जो लोगों के ऊपर जो आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगभग कितने का कुछ आइडिया बताइए, कुछ कितने का भीड़ होगा सर? लगभग कम से कम 6 से 7 लाख के नीचे भीड़ नहीं रहेगी, 6-7 लाख की भीड़ आराम से, उससे कम भीड़ नहीं रहेगी। ये भीड़ बनारस की है, प्रदेश की है कि देश की? नहीं, ये अपने बनारस की भीड़ है, बनारस अगल बगल के जिले की, सिर्फ बनारस अगल बगल की। क्या लहर मोदी का चल रहा है क्या? एकदम लहर ही लहर है, लहर ही लहर, मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, 2022 मैंने सर्वे किया है, भाजपा का तो बढ़त है बनारस में है, क्या स्थिति होगी 2022 में, थोड़ा इसको बस बताइए आप। 2022 में अब हम क्या कहें, 2022 तो हम 300 के पार ही है, उसमें तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, 300 के पार नहीं रहेंगे तो आप भी महोदय यहीं पर हैं और हम भी यहीं पर हैं। समाजवादी पार्टी कह रही मेरा लहर है और आप कह रहे हैं कि मोदी का लहर है। हमको लगता है कि पहले एक नारा था ना कि जो है
सभी लोग साइकिल पर, हाथी को पंचर हो गया तो हाथी पर साइकिल हाथी बैठ गई, यही स्थिति है। सब चोर चोर मौसेरे भाई, इस समय सब लोग जो है बस एक तरफा जो है। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप एक लोहटा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को एक संदेश दीजिए सर। देखिए सबसे बड़ा संदेश तो मोदी जी ने दिया जो कॉरिडोर दिया है बाबा की नगरी में, इतना बड़ा कार्य हुआ। हम लोग तो सिर्फ जो है राम मंदिर के जो है उसमें थे, ये तो हम लोगों को सौगात कॉरिडोर जो मिला है विश्वनाथ कॉरिडोर, यही संदेश है कि लोग जो है देश देश से लोग आए और बाबा का दर्शन करें और हर 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 महादेव का नारा लगाए। मोदी जी के अलावा एक नाम बताइए जो भाजपा में उनके बाद देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे, एक नाम और बताइए। नहीं, ये इस पे कोई हमारी टिप्पणी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, योगी इन्होंने नया नारा दिया, सुनील मिश्रा भारतीय जनता पार्टी लोहता मंडल अध्यक्ष ने नया नारा दिया, योगी यूपी उपयोगी। अभी तक तो मैंने जो जाना था योगी और उत्तर प्रदेश जाना था, लेकिन इन्होंने योगी और योगी उत्तर प्रदेश को उपयोगी बना दिया। इनका कहना है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का लहर जो है चल रहा है और इस बार अंदाजा नहीं मिलेगा लोगों को, सपा के लोगों ने जो गलत कार्य किया है, जो गलत प्रदेश में सत्ता बना करके लोगों को ठगने का काम किया है, उसका जवाब 2022 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बना करके यूपी की जनता वोटों के माध्यम से देगी। रही बात मोदी जी ने भारत को बनारस प्रदेश और देश को विश्व स्तर में आगे कर दिया और कई हजार करोड़ का सौगात बनारस को, उत्तर प्रदेश को और देश को दिया है। इस तरह से मोदी जैसा व्यक्ति पूरे देश में कोई नहीं है। इसी शुभ विचारधाराओं, अच्छे विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।